रफली 120 डेज रिमेनिंग फॉर दी सीयूटी पीजी 2025 एग्जामिनेशन दो जो आर टारगेटिंग फॉर टिस्क कैंपस थ्रू पेपर कोड सीयूकेपी 12. दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट टाइम टेबल हाउ टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन एंड ऑब्वियसली हाउ टू स्कोर 270 प्लस आउट ऑफ 300. अगर एनआईटिक्स एंड एलएसपी ये दो कोर्स के लिए जा रहे हो तो 270 प्लस टारगेट करना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो शॉर्ट शॉर्ट हाउ वी विल बी स्कोरिंग 270 प्लस. अपार्ट फ्रॉम दैट एटलीस्ट डिसंबर ऑनवर्ड्स, अभी नवंबर चल रहा है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो डिसंबर ऑनवर्ड्स मॉक लिखना फुल लेंथ चालू कर देना. मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे विल बी गेटिंग 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ठीक है, बैचेस ऑलरेडी वी हैव लॉन्च, सो सारी इन्फॉर्मेशन आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. सो बिफोर आई डिस्कस अहेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मेन्यूअर टिस CUET 2 CAT प्रिपरेशन चैनल का नाम है, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी सिंगल वीडियो. एंड ऑल्सो यू कैन गो टू द शॉर्ट सेक्शन जहाँ पे एक एक मिनट के वीडियोज दिए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ इन कैंपस एट टिस, टिस में अपनी लाइफ कैसे होती है वेन यू गेट इन टू द टिस, उसको लेके भी वीडियोज आई एम पोस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, तो वो वीडियो भी देखो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ वी कैन क्रैक CUET PG इन नेक्स्ट 120 डेज. हो सके पेन एंड पेपर लेके बैठो एंड जो भी मैं बताऊंगा उसको जॉट डाउन कर जाओ, वीडियो को शेयर कर देना आपके सारे फ्रेंड लोगों को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दीज आर द सम ऑफ द वीडियोस एनालिटिक्स कोर्स को लेके एंड सोशल एपिडेमोलॉजी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, डेवलपमेंट स्टडी, ये सारे लाइफ इन कैंपस टेस्ट के अंदर लाइफ कैसे होती है व्हेन यू गेट इनटू द टेस्ट, तो ये सारे वीडियोस हैं. काइंडली गो एंड वॉच ऑल दिस वीडियोस. यू विल गेट टू नो अबाउट द कोर्स करिकुलम, कैंपस लाइफ एंड ऑब्वियसली द टॉप रिक्रूटर्स एंड प्लेसमेंट्स. शॉर्ट शॉर्ट टिस कैंपस अगर टारगेट कर रहे हो तो वी हैव लॉन्च टिस रिले बैच, CUET PG टिस रिले बैच, ऑनलाइन लाइव क्लासेस पैन इंडिया. यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. ठीक है, सो रिले बैच यू कैन ज्वाइन जो कि नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है. और अगर आप मुंबई बेस्ड हो, मुंबई एंड पुणे बेस्ड क्लासरूम के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुंबई पुणे में वी हैव अ सेंटर, मुंबई के अंदर बोरीवली वसई दादर थाने अंधेरी, और पुणे में यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन. ये सारे करिकुलम होंगे आपकी प्रिपरेशन को लेकर के. ठीक है, सो 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियोस, आपके लेक्चर्स, ठीक है, एंड डाउट सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, 10,000 प्लस क्वेश्चन विल बी सॉल्विंग. ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल लर्निंग, शॉर्टकट्स एंड एग्जाम लेवल मॉक. ठीक है, स्ट्रैटेजी वर्कशॉप तो होते रहेंगे, 75 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 105 मिनट में सॉल्व करना है. CUET PG के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, स्पीड तो चाहिए ही उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए. सो ऑल दिस थिंग वी विल बी लर्निंग इन दी बैच. सो अगर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो, एंड क्लासरूम के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, सारी इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है. ठीक है, दिस आर द लिस्ट ऑफ दी कोर्सेज विच विल बी गेटिंग थ्रू CUET 12 पेपर कोड. एनालिटिक्स, LSP ये आपके टॉप टू कोर्सेस हैं. फिर आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, देन आपका डिजास्टर इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, सो ऑल कोर्सेस आर इन मुंबई कैंपस. तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा वाला कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, और CUET 12 और 11 भी अगर लिखने वाले हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द कोर्सेस एंड द पेपर कोड यू आर टारगेटिंग. ठीक है, टिस मुंबई CUET 12 के थ्रू यू विल बी गेटिंग द टिस मुंबई कैंपस, और बाकी कैंपस के लिए यू हैव टू अपीयर फॉर द CUET 11 पेपर कोड. सो यू हैव टू रन वंस टू अचीव योर गोल. CUET PG में अपना स्कोर ही डिसाइड करेगा स्टेज वन क्लियर करने के लिए, देन स्टेज टू. ठीक है, तो 270 प्लस यू नीड टू हिट आउट ऑफ 300. दिस इज आर टारगेट, दिस इज वॉट आर अजेंडा इज. CUET PG के अंदर जो कॉम्पिटिशन है अराउंड 45,000 टू 50,000, ठीक है, ये है टिस कैंपस को लेकर के. ठीक है, और अगर आप CUET 12 पेपर कोड की बात करोगे टिस कैंपस को लेके तो ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 20 से 25 के बीच में बैठेगा. दिस इज द रफ नंबर आई एम गिविंग यू. ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है CUET 12 के थ्रू. ठीक है, ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है 1:10 के फॉर्म में वर्क करता है. मतलब अगर टिस को एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, 10 लोग का इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, एंड देन दे विल सेलेक्ट द फाइनल कैंडिडेट. ठीक है, तो मान लो कि अगर 30 सीट्स है, ठीक है, तो 300 लोग को बुलाएंगे फाइनल इंटरव्यू में, तो शॉर्टलिस्टिंग 300 लोग की होगी अप्रॉक्सीमेटली. तो आपको स्टेज वन में तो फोड़ना ही है, उसके साथ साथ स्टेज टू. ठीक है, स्टेज वन की तो प्रिपरेशन हम करेंगे ही मेन्यूअर में, स्टेज टू के लिए भी वी विल बी हेल्पिंग यू. अराउंड 15-20 सेशन लेते हैं हम, 1-to-1 इंटरव्यू करवाते हैं, सो कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलती है, और टिस के कैंपस में जाने तक वी विल बी हेल्पिंग यू. ठीक है, सो एक बार सिलेक्शन हो गया तो करियर विल बी सॉर्टेड.
एंड या एवरी ईयर आई टेक द पॉडकास्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट. तो CVT PG लास्ट टाइम 2024 में फर्स्ट टाइम हुआ था. सो आई हैव टेकन दी पॉडकास्ट कि कैसा एग्जाम था एंड हाउ दीज पीपल हैव मैनेज टू क्रैक स्कोर. तो ये सारे पॉडकास्ट का प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगा. प्लेलिस्ट में चले जाओ, यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोस. सो एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए. क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में बन रहे, 20 सेकंड में बन रहे, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, ये टाइम मैनेजमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है. सो सिलेबस खत्म करना इज नॉट आर गोल. मतलब सारे टॉपिक के लेक्चर्स वगैरह आपके तो डेफिनेटली हो जाएंगे, बट एट द एंड मोटिव इज वॉट, विद इन अ मिनट आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. कुछ क्वेश्चन आपके हो सकता है 20 सेकंड, 30 सेकंड ले, कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके 40 सेकंड, 50 सेकंड और मे बी अ मिनट का टाइम ले, ठीक है. सो अपने को ओवरऑल सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 105 मिनट में, ये ध्यान रखना है. कुछ क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन इजी. तो आप जब मॉक लिखोगे तो अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरह से डेवलप होनी चाहिए. मॉक को लेके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू अपियर फॉर दी मॉक टेस्ट, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी क्लासरूम एंड लाइव के स्टूडेंट हैं उनके साथ मेरा वर्कशॉप होते रहेगा थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, जहाँ पे मैं सेक्शन वाइज वर्कशॉप, मॉक वर्कशॉप, है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन वाइज वर्कशॉप, आई कीप टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग. तो जब जब मेरा वर्कशॉप होगा उसको मिस बिल्कुल मत करना. हाँ, ये है आपका वीक वाइज प्लानिंग. नवंबर मंथ में अभी हमारे पास रफली 2 वीक्स का टाइम बचा हुआ है, वीक वन वीक टू. अगर आपने पहले से पढ़ाई चालू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया होगा. ये टाइम टेबल मैं उनको दे रहा हूँ जितने लोग ने नवंबर से स्टार्ट किया या तो आगे प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने के बारे में, ठीक है. सबसे पहले तो एक काम करना कि जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो अपनी पढ़ाई चालू कर देना, डिले मत करना, बिकॉज सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन, लिमिटेड सीट्स हैं और अपने को अच्छा स्कोर लेकर के स्टेज वन क्लियर करना है. स्टेज टू में फिर हम अलग से मेहनत करेंगे, ठीक है. सो कॉन्ट DIDS, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. ओके, कॉन्ट के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वीक टू, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है. इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, सारे ग्रामर के रूल्स, ये सारे वीडियोस आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिए हुए. तो बिफोर यू कम फॉर एनी क्लास, चाहे आप क्लासरूम हो या लाइव हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख के आओ यार आपके डैशबोर्ड से, तब लेक्चर में बैठोगे तो बढ़िया है. अगर आपने सेल्फ स्टडी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है देन यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल दिस वीडियो. ये फर्स्ट 2 वीक का टाइम टेबल है, ठीक है. जितने लोग का मैथ्स वीक है उनको मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि 2 से 3 बार वीडियोस को देख ले एंड 2 से 3 बार आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, ठीक है. आपके मेन्यूअर की बुक में मैथ्स के अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, 35 क्वेश्चन कर रहे हो मोर देन सफिशिएंट है, बट 3 टाइम्स करना पड़ेगा. लॉजिक में 50 क्वेश्चन है और वैसे ही इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है. ये सारे सेक्शन के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. ये आपका वीक वन वीक टू. अब बात करते हैं दिसंबर. भाई क्रिसमस न्यू ईयर साइड करना, वो सेलिब्रेशन इस साल नहीं करेंगे अपना. सेलेक्शन इज द फाइनल सेलिब्रेशन. सो वीक 3, 4, 5, 6 रेशो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप एजेस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज एंड मिक्सर एलिगेशन, ये हो गया आपका कॉन्ट. ओके, लॉजिक के अंदर नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग हो गया. एंड इंग्लिश के अंदर रिट्रेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव. आपका ग्रामर बहुत अच्छे से हो गया है बाय द मंथ ऑफ दिसंबर. इस सारे वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे है. आगे मैं ये वीडियो के एक्सेस भी आपको बता दूंगा, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम योर डैशबोर्ड, ठीक है. सो अगर आपने लाइव या क्लासरूम बैच ज्वाइन किया हुआ है तो ये सारे एक्सेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑल द वीडियो एक्सेस विल बी गेटिंग. अगर आपने लाइव क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो सेल्फ स्टडी कोर्स यू कैन चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है. ये है दिसंबर मंथ वीक 6. अब बात करते हैं जनवरी मंथ 2025. ओके, वीक 7, 8, 9, 10 टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, टाइम एंड वर्क, वेन डायग्राम एंड सेट, सर्ट्स एंड इंडाइसेस. ओके, ये हो गया कॉन्ट. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से सिलॉजम, इनइक्वालिटी, क्लॉक एंड कैलेंडर, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट. इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, ऑड मैन आउट, फिलअप एंड क्लोज टेस्ट. ये है आपका इंग्लिश, ये लॉजिक एंड कॉन्ट. तो ओवरऑल हम हर वीक में हर सेक्शन पे काम कर रहे हैं सो दैट हमारी प्रिपरेशन सारे सेक्शन को लेके हो रही है. ऐसा नहीं कि हमने किसी एक ही सेक्शन को फोकस में रखा हुआ है. सो कोशिश ये करो कि फैब मंथ तक सब कुछ खत्म करो. मार्च मंथ हमारे पास बोनस में होगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इज फेब्रवरी मंथ. DI, टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, मिक्स ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ये हो गया आपका कॉन्ट का सेक्शन, ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग में लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, पजल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन वर्बल, ठीक है. इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी, पैराग्राफ जंबल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एक चीज़ और याद रखो, डेली का एक RC सॉल्व करना चालू कर दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चालू कर दो. एक अरेंजमेंट के क्वेश्चन, मतलब आपके जो बुक में लॉजिकल रीजनिंग में लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट का वीडियो देख लो और एक सेट सॉल्व करना चालू कर दो. इसके साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, पेज वन एंड एडिटोरियल, ये काम आपको डे वन से चालू कर देना जिस दिन मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो. ओके,
एंड लास्टली इन द मंथ ऑफ मार्च ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने रेड किया हुआ है इसको, आपको टाइम मिले तो देख लेना यार, ठीक है, सिर्फ वीडियो देख लेना, दैट्स ऑल। बाकी रिवीजन, स्पीड, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, डी डे स्ट्रैटेजी, ये सब पे काम करना है। इनफैक्ट ये कोशिश करो कि दिसंबर में एटलीस्ट आप 4 मॉक लिख दो, जनवरी मंथ में आप एटलीस्ट कोशिश करो कि 6 to 8 मॉक लिख दो, और फैब मंथ के अंदर आप पूरे के पूरे मॉक ख़त्म करो, ठीक है। मतलब मार्च के लिए आप 2-3 मॉक रख सकते हो, बट एग्जाम के 1 week पहले यार मॉक बंद कर देना, दिस इज व्हाट आई एडवाइस, बिकॉज लास्ट में अगर आप मॉक लिख रहे हो स्कोर कम आया उसके वजह से आपका एक्चुअल एग्जाम हैम्पर करोगे आप, आपके मॉक के बेसिस पे यू विल जज योर एक्चुअल एग्जाम स्कोर, तो वो नहीं करना है, ठीक है। सो आपका जो रिले बैच चालू हो रहा है नवंबर से, उसके अंदर ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर होंगे, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस ले लेना एंड प्री प्रिपरेशन चालू कर दो, लाइक आपका स्पीड मैथ्स हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, नंबर लेटर सीरीज हो गया, ग्रामर हो गया, आरसी सॉल्विंग, ये सब चीज़ें चालू कर दो विदाउट फेल। और राइट, सो ये है आपका डैशबोर्ड का एक्सेस, क्वांट के सारे टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए हैं, यू कैन चेक आउट ऑल द डिटेल्स, ठीक है। और वैसे ही आपके अदर एरिया एंड वैसे ही आपके अदर टॉपिक लाइक इंग्लिश हो गया, लॉजिक हो गया, ठीक है। तो इसमें पूरे वीडियोस दिए हुए, काइंडली गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस। सो लेक्चर में आने से पहले ये वीडियोस देख के आओ, फिर लेक्चर अटेंड करोगे तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड इन टर्म्स ऑफ द क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो, आई होप लॉट मोर थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक टॉक देना एंड स्टार्ट लर्निंग, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालाइज एंड रिवाइज, ये सारी चीज़ें करना चालू कर दो। 270 प्लस का टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 300, जो भी कोर्सेस आप CUPP 12 के थ्रू टारगेट करो डेफिनेटली यू विल गेट इट। एंड उसके बाद स्टेज 2 के लिए वी आर देयर टू हेल्प यू, तो स्टेज 1 पहले क्रैक करते हैं साथ में, उसके बाद स्टेज 2 के लिए, ठीक है। टिस रिले के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, स्क्रीन पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यू कैन चेक द डिटेल्स, और डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स मैंने डाली हुई है, काइंडली चेक इट। बाकी आपका टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम ग्रुप, यहाँ पे आपको जो अपडेट नोटिफिकेशन आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको आप डेफिनेटली सॉल्व करो, थोड़ा सा इंगेज रहोगे आपकी प्रिपरेशन को लेके, वो इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।